हमारे साथ ऐसा हुआ था, एकेडमी में गया हुआ था मैं, एकेडमी का जो संस्थापक था वो आया, बोला बेटा हमारे पास पूरी फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्टल चार्ज और फिजिकल ग्राउंड सारे हैं। हम वहाँ पे गया, एडमिशन भी लिया, मैं एक लोगों से जानकारी भी लिया कि एकेडमी में क्या रूल्स है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना तो ग्राउंड था ना तो मेज था, वहाँ कुछ भी नहीं था, बट खाना बाजार से मंगवा के खिलाते थे और हालत बहुत खराब हो गई थी हम लोगों की। चार बच्चे थे भाई, क्लास भाई वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलते थे, सिर्फ चार बच्चे थे, टीचर एक भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था सर भाई, ग्राउंड कुछ भी नहीं, ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं एसएससी जीडी का फॉर्म पहली बार डाल रखा था, मेरे नंबर भी उसमें नहीं आए। आपके साथ भी होगा, चारों बच्चों के साथ? चारों बच्चे के साथ हुआ, सिर्फ आप आए वहाँ से, वो बच्चे भी आ गए, सारे के सारे भाग गए, मैं भी भाग गया यार। अकेडमी के नाम क्या नाम था? एमआरपीएफ इंस्टीट्यूट। जो भी बच्चे अपना इंडियन आर्मी या फिर पुलिस का सपना लेकर के और जगह जगह पे जो अकेडमियां खुली होती हैं, एक अकेडमी मेरी भी है और भी मार्केट में बहुत सारी अकेडमियां होती हैं, तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को बोलता हूं कि कोई भी अगर अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर किसी जगह पे किसी एकेडमी के अंदर जाकर के अपने बच्चे का करियर के लिए देते हैं, तो वहां पे एकेडमी का पूरा बेस चेक करें। ये बच्चा चंद्रभान है, यूपी से अभी आया हुआ और यूपी में ही एक एकेडमी है, वहां पे इस बच्चे को बोला गया था कि आपको भर्ती की सारी तैयारी करवाई जाएगी और काफी अच्छा क्राउड मिलेगा। टोटल वहां पे कितने बच्चे थे बेटा? सर चार बच्चे थे। चार बच्चे थे जी सर। और इस बच्चे का वहां पे पूरा कंप्लीट भर्ती कराने के नाम पे पैसा लिया गया था, टोटल कितने पैसे लिए थे? परेशान मत हो। तो मैं इसमें अकेडमी वालों से ज्यादा गलती दूंगा पेरेंट्स को और बच्चे को, जो किसी भी अकेडमी के अंदर जाते तो उसके बारे में छानबीन नहीं करते। अब इस बच्चे को मैं एक दिन यहाँ पे ए टू जेड एनवायरमेंट भी दिखाऊंगा, क्राउड दिखाऊंगा, पढ़ाई लिखाई का माहौल दिखाऊंगा, डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अगर इस बच्चे का माइंड सेट होता है तो मैं इसको अपनी एकेडमी के अंदर इन करूंगा, अगर इसका माइंड सेट नहीं होता तो मैं इसको एकेडमी में इन नहीं करूंगा। तो कोई भी बच्चा अगर एकेडमी में किसी भी जगह पे जाता है तो वहां का एनवायरमेंट, वहां का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता करे कि वहां पे सिलेक्शन होता है या नहीं होता, वहां पे ट्रेनर अच्छे तरीके से ट्रेंड करते हैं नहीं करते, वहां पे मैनेजमेंट हर चीजों पे नजर रखते हैं कि नहीं रखते, टीचर वहां पे अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो ये तो एक अलग बात है कि ये अच्छा करते कि नहीं, लेकिन जिस जगह पे ये पैसा दे करके आ गया वहां पे इन सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, बस एक बोर्ड लगा रखा है और बोर्ड को देख करके पेरेंट्स ने और इसने बच्चे ने पैसा दे दिया है। तो बेटा आप यहाँ पे अभी एकेडमी में आपने घूमा, यहाँ पे देखा? जी सर। ऐसा तो नहीं कि वहां के तरह यहाँ पे भी तीन चार बच्चे हो, टीचर्स नहीं हो, इंस्ट्रक्टर ना हो और आपको बेवकूफ बनाया जाएगा? नो सर। यहाँ का एनवायरमेंट और वहाँ के एनवायरमेंट में आपको फर्क दिखाई दे रहा है? जी सर। क्या क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? सर यहाँ पे ग्राउंड है। अच्छा और... ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे स्क्रिप्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट इससे इंक्वायरी के बाद मैंने यहाँ पे जो हॉस्टल इंचार्ज उनके साथ भेजा, फिर टीम ने बोला कि इसके साथ एक स्कैम हुआ, तो सर एक बार आप एक बोल दें। इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि चाहे मेरी एकेडमी हो चाहे कोई भी एकेडमी हो, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे पूरा छानबीन करो, एक आधा दिन वहां पे स्टे करने के लिए फोर्स करो, और नहीं तो फिर अगर नहीं रुकने देते, एक दिन खाना पीना नहीं देते, तो आप उस एकेडमी के बारे में बिल्कुल छानबीन करके ही वहां पे अपना पैसा लगाओ और उसके बाद अपना सपना वहां पे बुनो। सही बात है कि नहीं? क्या ऐसा होना चाहिए कि गेट के बाहर से ही पैसा दे दो और अंदर आने के बाद आपको कोई अलग माहौल दिखे तो वहां पे पैसा अनवैलिड हो जाए? ऐसा होना चाहिए? चेक करना चाहिए जो कि इस बच्चे के साथ हुआ है। तो यहाँ पे इस बच्चे को प्रॉपर जो सारी चीजें दिखाई जाएगी उसके बाद सारा चीज एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। और जो भी पुराने बच्चे हैं इनसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, क्या बेटा यहाँ पे क्लासेस या ग्राउंड या मैनेजमेंट का एनवायरमेंट कैसा है? मतलब मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो या रियल में अच्छा है? तो एक दिन इस बच्चे को मैं ट्रायल पे रख रहा हूँ, एक दिन या दो दिन रखूंगा, अगर जितने दिन रुकना चाहता है, जब इसका मन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा तब मैं इसका एडमिशन लूंगा। क्लियर चंद्रभान? ओके सर। क्लियर है बेटा? ओके सर। चलो ठीक है बेटा। यस सर।